तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले हो जाएं होशियार। रहीम जहान में ही ट्रैफिक पुलिस के पास स्पीडो चेक गन आ गई है। शहर और गिरदनवाह में ज्यादा हादसात वाली जगह पर चेकिंग की जाएगी। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माने और तंबीह की जा रही है। तेज रफ्तार गाड़ियों के चलान और स्पीड कंट्रोल करने की हिदायत भी जारी की है। स्पीड चेकिंग कैमरा बॉडी मोटर के जरिए लगाई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस भी की तरफ से ये हिदायत जारी की गई है और बताया जा रहा है कि शाही रोड पर तेज रफ्तारी के बायस जानलेवा हादसे होते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। अब रहीम या खान की सड़कों पर तेज रफ्तारी नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस के पास स्पीड चेकिंग कैमरा आ गया है और इसकी इंस्टॉलेशन कर दी गई है। अब सड़कों पर तेज रफ्तारी के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। शाही रोड रहीम या खान की जो वाहिद रोड है जहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और वहां पर स्पीड कैमरा चेकिंग लगा दी गई है। वहां पर चेकिंग किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पर। इस कैमरे का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक पुलिस तेज रफ्तारी को रोकेगी। ये बताएं कि ये कैमरा रहीम या खान में आज पहली मर्तबा आया है, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। तेज रफ्तारी कहते हैं कि एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा बाइस बनती है और इसको रोकथाम के लिए इस कैमरे का इंस्टॉलेशन जो रहीम या खान पुलिस को दी गई है कितना फायदामंद साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पीड चेकिंग कैमरा जो मुहैया किया गया है इसके लिए हमें बहुत सारी सहूलियात हो जाती हैं। पहले हम गाड़ी को चलान करते तो ओवर स्पीड के सिलसिला में तो हमें मालूमात नहीं होती थी कितनी स्पीड पे आ रहा है। ड्राइवर कहता था हम कम स्पीड में। अभी चेकिंग स्पीड में हमें ये हुआ कि जैसे हम उसकी स्पीड गन से उसकी स्पीड चेक करते हैं वो सामने कैमरे पर आ जाती है। अगर कोई कहता है कि हमें स्पीड चेक करें, हम स्पीड चेक करा देते हैं। बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी है, इसमें रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। चार पाँच दिन से हमने इस रोड के ऊपर कार्रवाई शुरू की हुई है। साझा मोड़ जहाँ पहले दो तीन एक्सीडेंट हो चुके हैं, कल हमने सादकाबाद किया है, परसों हमने साझा मोड़ और बाड़ी मोड़ पर लगाए हैं जहाँ मेन एक्सीडेंट हो चुके थे। और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी हद तक फर्क पड़ गया है। गाड़ियाँ जो मेन गाड़ियाँ थी, बसें, एसी कोचेस, उनके डर और खौफ की वजह से उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी स्पीड कम कर दी है। लोगों को मतलब किया जाता है कि जो मोड़ हैं इनमें 20-30 की स्पीड है। कोशिश करें, अपनी जान कीमती है, लोगों की भी जान भी कीमती है। बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवरों को ये मैं गुजारिश करता हूँ कि जहाँ मोड़ है, आबादी है, वहाँ स्पीड अपनी कम करें। दूसरी, ये शाही रोड पर जो स्पीड है वो 80 है, 80 से अबव नहीं है, ना ही आप 80 से अबव जा सकते हैं। अगर अबव जाएंगे आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इंशाल्लाह शाही रोड पर हम वक्त। बहुत शुक्रिया आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे।